जानते हैं पीठ का जख्म बड़ी तकलीफ देह होता है, लेकिन लेकिन ये तो व्यक्तिगत मामला है, जाति मामला है। एक जो समाज के पीठ पर, जो हमारे सुबह विहार के पीठ पर, जो हमारे मुल्क के पीठ पर एक जख्म हुआ है, एक पीठ पर पीठ में चूरा कूटने का काम हुआ है, वो ज्यादा दुखदाई है। और उन्हीं परिस्थितियों में लगी है पीठ में खंजर, जरूर कोई अपना रहा होगा। किसी दूसरे में इतनी हैसियत कहां थी कि शरद यादव को के पीठ में, अली अनवर के पीठ में चूरा घोप सके। ये तो कोई अपना ही था। बड़े नाज से, बड़ी उम्मीद से बनाया गया था इस पार्टी को, और वो पार्टी के जो नेता थे वो लेकर के मंत्रियों संतरियों के दल को लेकर के और समाजवादी सिद्धांतों के खिलाफ चले गए। उन्हीं परिस्थितियों में ये सम्मेलन आज यहां हो रहा है। तो हम ज्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। जब हम लोगों को शरद यादव जी को मुझे पार्लियामेंट से निकाला गया, तो हम लोग उन दिनों गुजरात के चुनाव प्रचार में थे, गुजरात के भी साथी आए हुए। करीब 10:30-11 बजे रात में मीडिया के लोग आए दौड़े हुए और पूछा कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि भाई शरद यादव जी गुजरात में ही मौजूद हैं, जानना चाहा कि उन्होंने क्या कहा है, लेकिन कहा कि वहां के लिए भी लोग रवाना हो हुए हैं, आप अपनी बात कह दीजिए। तो मैंने 2 शेर पढ़े थे, उसी शेर को सुना करके और एक आध लफ्ज कह करके अपनी बात खत्म करें। हम तो दरिया हैं, हमने कहा उनको, मीडिया के लोगों को, कि हम तो दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिधर हम चल पड़ते हैं उधर ही वो रास्ता हो जाता है। शरद यादव तो दरिया, ये इन्हीं के लिए था, जिधर चलते हैं रास्ता बना देते हैं। कहा कि भाई और कुछ कहिए, ये तो शेरो शायरी में हुई, कुछ शब्दों में वाक्यों में बोलिए। मैंने कहा कि मैं शब्दों और वाक्यों में आज कुछ नहीं, बिल्कुल शायराना मिजाज में हूं। तो एक शेर और हमने पढ़ा, जो लोगों ने कहा कि शायद आपने अपने लिए पढ़ा, ये टीवी वगैरह पर भी दिखाया। न मैं गिरा न मेरे हौसलों के मीनार गिरे, न मैं गिरा न मेरे हौसलों के मीनार गिरे, मगर मुझे गिराने वाले तो कई कई बार गिरे। तो पीठ का जख्म ऑपरेशन करा करके आज हम खड़े हो गए हैं, और ये बिहार के ही पीठ में जख्म नहीं था, सूरा नहीं घोपा गया। जिस आदमी को पर पूरे देश की को एक उम्मीद थी, जिसको शरद यादव जी ने आगे बढ़ाया था,
हम लोगों ने खून पसीना दे करके उनको सत्ता तक पहुंचाया था बिहार में। उन्होंने पूरे मुल्क को शर्मिंदा किया। थोड़े समय के लिए सत्ता में कोई रह सकता है, लेकिन जनता की नजरों में, बिहार के लोगों के साथ विश्वासघात करने में, उनके पीठ में चूरा घोंपने में इतिहास में नाम दर्ज हो गया। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। शुरुआत है आदरणीय फतेह सिंह जी स्थापना सम्मेलन के समय अध्यक्ष हैं, इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। जार साहब से ने पूछा कि कौन अध्यक्ष हैं, क्या नाम है, तो हमने बताया कि फतेह सिंह नाम है। फतेह माने होता है विक्ट्री, विक्ट्री। तो स्थापना सम्मेलन के अध्यक्ष फतेह सिंह हैं। राजनीतिक प्रस्ताव पेश हो गया है, आर्थिक प्रस्ताव पेश हो गया है और सामाजिक प्रस्ताव डॉक्टर रतन लाल जी ने पेश किया है, जिसमें मैं समझता हूँ कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी चीजें उनके प्रोफेसर रतन लाल के प्रस्ताव में शामिल है। हम सब प्रस्तावों को का समर्थन करते हैं और हम ये कहना चाहते हैं कि ये मुल्क का जो डेमोक्रेसी है, इस देश का जो संविधान है, उसको जितनी बड़ी चुनौती और जितना बड़ा खतरा आज मिल रहा है मौजूदा केंद्र सरकार के जरिए, उतना बड़ा बड़ी चुनौती और उतना बड़ा खतरा पहले कभी नहीं था। इतिहास में एक बड़ी जवाबदेही लोकतांत्रिक जनता दल के आप सभी साथियों पर भी है। हम सभी लोगों को मिल करके इसका निर्वाह करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।